घटना का फिर दुखद घटना का निंदा करते हैं, चुनाव आयोग सम्मान करते हैं जो दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन चुनाव के दौरान इस तरीके का हिंसक माहौल कहीं से भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, कर्मचारी प्रशासन जाकर के चुनाव आयोग सम्मान करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पहले चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। बिहार में पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग की जा रही है। इसमें 2.14 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1067 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेंगी। इसी बीच क्या नेता और क्या मतदाता सभी उत्साह से वोट डालने पहुंच रहे हैं। इस बीच बिहार के गया में मंत्री प्रेम कुमार वोट देने के लिए पोलिंग बूथ तक साइकिल पर पहुंचे। इसके पहले उन्होंने अपनी पत्नी संग एक मंदिर में मत्था टेक कर जीत के लिए भगवान से आशीर्वाद लिया। साइकिल से बूथ पर जाने के बारे में मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि वह पर्यावरण संरक्षण को लेकर सचेत है, चाहते हैं कि लोग वाहनों का कम से कम प्रयोग करें ताकि प्रदूषण कम से कम हो। यही संदेश देने के लिए वह साइकिल पर मतदान करने जा रहे हैं। प्रेम कुमार ने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, हर मतदाता को अपने इस मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वे पूरे परिवार के साथ वोट डालने आए हैं, इसी तरह सबसे अपील कर रहे हैं कि हर कोई मतदाता बन चुके परिवार एक एक सदस्य के साथ बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मास्क लगाइए आप। अभी भीड़ है। जनता इस बार प्रेम कुमार को कितना प्रेम दिखाई, पूरा बल्कि बढ़कर दिखा रही जाकर, कहीं के मैदान में टक्कर है ही नहीं, फीडबैक ले नहीं जाकर के। और सब चाहते हैं कि बिहार में एनडीए का हाई गवर्नमेंट बने जाकर के, तो एक कारण है सर हमारा लगातार जनता का भी सुख दुख में बने रहना जाकर, उनके लिए डेवलपमेंट का काम करना जाकर। गया तीर्थस्थल है, पर्यटन स्थल है, इस हिसाब से बड़े पैमाने पर सड़कों का विकास हुआ है, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जाकर के, और गैस का लाइन भी यहाँ पर आ रहा है घर के अंदर, किचन में उनका पाइप लाइन से गैस की आपूर्ति कराई जाएगी। तो कुल मिलाकर मतलब लाइन ऑर्डर यहाँ ठीक जाकर के है। जनता 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं, जनता उसी आधार पर। सर अभी अभी महागठबंधन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें मुंगेर हिंसा को लेकर के तेजस्वी ने सवाल उठाए हैं आपकी सरकार पर, कहा है कि बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के हिंसा कैसे हो गई, लोगों को पीटा गया है, वहाँ के एसपी को हटाया जाए। वहाँ घटना काफी दुखद घटना का निंदा करते हैं, चुनाव आयोग सम्मान करते हैं जो दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन चुनाव के दौरान इस तरीके का हिंसक माहौल कहीं से भी ठीक नहीं है सरकार पर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, उनके अंदर कर्मचारी प्रशासन जाकर के है, चुनाव आयोग सम्मान करेंगे। घटना काफी दुखद है और जो लाठीचार्ज किया गया है इसकी निंदा हम करते हैं। अब चाहते चुनाव आयोग ऐसे लोगों के खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को भुना सकता है आपकी तरफ हमलावर। सरकार हमारी जरूर, लेकिन आज चुनाव आयोग 40 सारे प्रशासन को कर रही है, हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है। घटना की निंदा करते हैं, बेवजह लाठी वहाँ की पुलिस चलाने का काम किया है, और चाहेंगे चुनाव आयोग उसकी जांच कराकर दोषी पदाधिकारी की कार्रवाई करें। सरकार सर फिर से एक बार बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।